बनासकांठा जिले में हर हर महादेव की गूंज से पूरे गुजरात के महादेव मंदिर गूंज उठे। बनासकांठा के मुकेश्वर धाम में धामधूम से मनाई गई महाशिवरात्रि। मुकेश्वर में महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह के समय से ही शिवलोए में भक्तों की भारी भीड़ थी। दोपहर के समय के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की आरती की गई और भांग का प्रसाद का भी वितरण किया गया। मुकेश्वर में भाविक भक्तों बड़ी संख्या में महाआरती का भी आयोजन करने में आया था। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर वडगाम तालुका में हर हर महादेव के उच्चारण से वातावरण भर गया। शिव भक्त शिव मंदिर गए और भोलेनाथ की पूजा की। वडगाम से 25 किलोमीटर की दूरी पर चामुंडा माता मंदिर, जो पांडव में कुंवल देवी का मंदिर है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित मुकेश्वर धाम के रूप में माना जाता है। मुकेश्वर धाम के महंत मधुरगिरी के जानने के अनुसार पांडवों यहां रहते थे और जब पांडवों के पांडु राजा की श्राद्ध विधि यहां की गई तब उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तब यहां पांडवों ने महादेव मंदिर की स्थापना की। उनका नाम मुकेश्वर महादेव धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से इसे मोक्ष का स्थान कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम मुकेश्वर के नाम से जाना गया। श्राद्ध की रस्म यहां होती है। आज के युग में बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। आ प्राचीन चामुंडा माता पांडवोनी कुळदेवीनुं प्राचीन मंदिर छे, सरस्वती नदीना किनारे मुक्तेश्वर डेमनी नीचे। अज्ञातवासना समय पांडवो अहींया रहता था अने पांडु राजानी श्राद्ध विधि अहींया थया बाद एमने मोक्ष गति प्राप्त थई, एटले आ एक मोक्ष गतिनुं स्थान कहेवाय छे। घणुं प्राचीन छे, अहींया मातृ ने पितृ बंनेना श्राद्ध थाय छे। આજુબાજુના ગામના બધા મહારાજો બ્રાહ્મણો પંડિતો શિવપુરના ને બધા અહીં વિધિઓ કરવા આવે છે, બધી જ જાતની વિધિઓ થાય છે। આજે આ શિવરાત્રિ નિમિત્તે પ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને પ્રસાદ લેવા આજુબાજુના ગામના ઉત્સાહથી લોકો આવે છે, અહીંયા પ્રસાદ લે છે। આજે હજારોની સંખ્યામાં લોકો આવ્યા છે।